आप तमाम नासरीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। शहर हैदराबाद में एक होमगार्ड ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाते हुए खुदकशी करने की कोशिश। ये वाकया शाहीनाथ गंज पुलिस स्टेशन हदूद के तहत आया। पेश पुराने शहर में वाक़ चंद्रायन गुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड रविंद्रा ने मंगल की शाम गोशा महल होमगार्ड हेड ऑफिस के रूबरू अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, जिसे फौरी तौर पर इंतहाई शदीद झुलसी हुई हालत में इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पता चला है कि तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर और होम गार्ड्स को रेगुलाइज करने के मसले पर वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में था, और फिर जब ये हेड ऑफिस पहुंचकर इस बात का मुतालबा कर रहा था तब वहां पर आला अहदेदारान ने भी इसके साथ बदतमीजी की, जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर रविंद्रा ने अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। इसी तनाजुर में आज बतारीख 6 सितंबर को तमाम होमगार्ड्स इसके साथियों ने मिलकर अपोलो हॉस्पिटल वाक़ संतोष नगर में बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए मुतासरा के साथ इंसाफ करते हुए तमाम होमगार्ड्स को रेगुलाइज करने और इनकी तनख्वाहों में इजाफा करने का भी मुतालबा किया। साथ ही साथ मुतासरा होमगार्ड रविंद्रा के अहल खाना को भी माली इमदाद करने का मुतालबा किया गया। आइए देखते हैं इस एहतजाजी धरने के चंद मनाजिर एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रविंद्र अंगनी आलू वाले, रविंद्र अंगनी आलू वाले, रविंद्र अंगनी आलू वाले, रविंद्र अंगनी आलू वाले, लाइक के दो 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 कि सुनाना यही है गवर्नमेंट से। हम लोगों के सो इतने साल से 25 साल से कर रहा हूँ, कितने लोग ये सो रिटायर हो गए मतलब उतर के भी चले गए, कुछ भी बेनिफिट नहीं है। एक गवर्नमेंट को एक डिपार्टमेंट कर रहे बोल के नाम ही, लेकिन कोई किसी किस्म का बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि फैमिलियों को सफ़र करके जो सो बच्चों को आज के महंगाई के हिसाब से सो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के फीस आने बन सके। हैदराबाद सिटी में मकान में तो कम से कम 5-7 हज़ार से कम तो नहीं है। एक कम तनख्वाह में जो सो कैसा गुजार के कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि कब तक ये जिंदगी है, क्योंकि नौजवान होकर ये सो आज जोड़ों में फिर रहे। हालांकि होमगार्ड से रिक्रूटमेंट बंद कर दी, क्यों हम जो हक मांगने से ये सो गला दबा के हक मांगे, हम गवर्नमेंट करो कुछ बेनिफिट करो बोलते, हक मांगने से रिक्रूटमेंट ही बंद कर देंगे। बूढ़े लोगों को ला के नौकरी मिले रहे, रिटायर हुए से लोगों को ला के नौकरी मिले रहे, SPO बोल के। तो मैं 96 से कर रहा हूँ, मैं 900 रुपये से करते आ रहा हूँ यही नौकरी में। ये सो बच्चे इंटर डिग्री पढ़ रहे हैं, उनको फीसा नहीं बन सक रहे अपन, तो ऐसे कितने हज़ारों लोग हैं हैदराबाद में, जो सो पूरे 22,000 लोग हैं, 20,000 के ऊपर है लोग, सबकी ज़िंदगी यही है। अभी तो नए नए कोई नहीं है, 10 साल पुराने हुए, 10 साल से रिक्रूटमेंट ही नहीं है, ऐसे वालों की ज़िंदगी सही नहीं है। ठीक है रिक्रूटमेंट बंद कर दिए कोई बात नहीं, ऐसे वालों को तो कम से कम सही बेनिफिट दो। हम हक ही मांग रहे कि हम मेहनत कर रहे हैं कांस्टेबल के बराबर, कम नीचे वाले ही काम करने, हर PS में हर ऑफिस में नीचे वाले होमगार्ड ही काम करने का, होमगार्ड काम करे बगैर काम नहीं होता वहाँ पे। तो इसी जगह क्या है, हम हक मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कांस्टेबल के बराबर, हम जो तनख्वाह दे बोल रहे हैं, हम गलत नहीं मांग रहे। हमारी विनती ये है कि हमको ये सो रेगुलर करके, हमको बेनिफिट करके, हमारे को ये सो हम भी ये सो सबके बराबर ये सो न्यू वगैरह हॉस्पिटल, आज जैसे हॉस्पिटल लगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कहीं नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की नौबत दी हमको, क्यों हम जो सो हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, हमको आरोग्य पता था, ये नौकरी का उद्योग पता था, जो भी ये सब देना बोल के हमारी यही विनती है सब, जो CM साहब से यही विनती है हमारी, हम कोई अलग नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे, क्योंकि हम कम नजरों से जिंदगी कम नजरों देख रहे हैं। कम तनख्वाह वाले 27,000 रुपये तो लाखों की तनख्वाह वाले, एक एक जैसो 20,000 सैलरी, 20 साल का सर्विस भेजो 1 लाख के ऊपर तनख्वाह वाले, हम जैसो सिर्फ 27,000 है, क्योंकि ये तनख्वाह के हिसाब से कम तनख्वाह वाले, रोज आए तो प्रेजेंट नहीं तो एब्सेंट, रोजमर्रा जिंदगी है, हमको कोई हक नहीं है, लीव नहीं है। इसी तरह जैसे क्या है बेनिफिट दिए तो हमारे को सब, हम जैसे हम भी आम जैसा देंगे, हमारी यही विनती है सब, जल्द से जल्द हमारे को CM साहब इसका क्योंकि परमिट करना बोल के हमारी रिक्वेस्ट है सर। आस्था हुआ हमारा भाई रविंदर भाई का जो आस्था हुआ पेट्रोल डाल के जो जिलाधिकारी सो है उनके आवाज़ से हम प्रोटेक्ट करने को आए। जो रविंदर भाई का जो उन्होंने डिप्रेशन होके होमगार्ड को रिक्वेस्ट नहीं होता सैलरी नहीं आ रही बोल के वो डिप्रेशन होके उन लोग जो होमगार्ड ऑफिस कमांडेंट ऑफिस हैदराबाद गोशा महल को गए, जब जो उधर नीचे ऑफिसर आए थे और कांस्टेबल हेड कांस्टेबल गंदे बातों से बात करे बोल के डिप्रेशन होके
पेट्रोल से जला दिए सोए। वो क्यों किसके वास्ते हुआ बोले तो अपना सीएम साहब वजीर आलम सीएम साहब कई मरतबा असम्बली में प्रगति भवन में पब्लिक मीटिंग में होमगार्ड सबको रेगुलराइज कर तुम बोल के बोले। तेलंगाना के पूरे जो होमगार्ड ऑफिसर से रेगुलर आज होता कल होता बोले कई आसन से है हमारे को कुछ हेल्थ कार्ड नहीं है कुछ भी नहीं है हमारे को कुछ हो तो करेगा ना एक बोले तो पूरे सीएम साहब को मालूम है हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सी वी साहब को मालूम है डीजीपी साहब अंजन कुमार साहब को मालूम है आपके प्रेस के मुताबिक मैं हमारे सीपी साहब को डीजीपी साहब को मैं निवेदन करता हूँ कि हमारा होमगार्ड जो रेगुलर्स का वो एसपीए फाइल जो है वो एसपीए फाइल का वो रेगुलर्स करने का ऐलान देने का कहने का और एक हमारे रविंद्र भाई की जो फैमिली का है वो फैमिली को पूरी तरह भरोसा देने का है। हमारे रविंद्र भाई जो भी हमारे रविंद्र भाई जो करे सो है दूसरे होमगार्ड ऑफिसर ऐसा मत करो भाई अपने को अच्छा अच्छा दिन आएंगे। सीएम साहब बहुत अच्छे आदमी है और इंशाल्लाह परमानेंट एसपीए का जो है परमानेंट करेंगे बोल के हम सोच रहे भाई। हज व उमरा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने मुकदस मुकामात की ज्यारत डायरेक्ट फ्लाइट 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग उजलत करें देर ना कीजिए इस सुनहरे मौके से फायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट फ्लोर बाबू खान स्टेट बशीरबाग। मजीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 0404854 9586 पर भी राबता कर सकते हैं।